देश में कई ऐसे सन्यासी हैं जिन्होंने IIT से पढ़ाई की और उसके बाद अध्यात्म का रास्ता अपना लिया। तो चलिए जानते हैं आज की रिपोर्ट में इन्हीं के बारे में एक छोटी सी जानकारी। सबसे पहले इस लिस्ट में नाम सामने आता है गौरांग दास प्रभु का, जो कि देश के जाने माने आध्यात्मिक गुरु हैं। वो मुंबई के इस्कॉन मंदिर से जुड़े हैं और एक समाज सुधारक, पर्यावरण लीडर और सलाहकार भी हैं। गौरांग दास ने साल 1979 से 1953 के बीच में IIT मुंबई से मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में BTech की। उसके बाद स्वामी मुग्धानंद का नाम सामने आता है। मुग्धानंद ने जगत गुरु कृपालु जी योग के संस्थापक हैं और साथ ही MIT, स्टैनफोर्ड, येल यूनिवर्सिटी, कार्नेल यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों के में विख्यात हैं। स्वामी मुग्धानंद ने IIT दिल्ली से BTech किया है और IIM कोलकाता से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। अब बात करते हैं रसनाथ दास जी की। रसनाथ दास ने साल 2007 में मठ का चयन किया, वे मठ चले गए। वो IIT और कॉर्नेल विश्वविद्यालय के छात्र रहे और IIT से ग्रेजुएशन की डिग्री उन्होंने हासिल की। अगला नाम सामने आता है संकेत पारेख का। संकेत पारेख 22 जनवरी 2023 को मुंबई के बोरीवली में एक समारोह में भिक्षु बन गए। संकेत ने इससे पहले IIT मुंबई से पढ़ाई की, अच्छी खासी नौकरी भी कर रहे थे, लेकिन अध्यात्म का रास्ता चुन लिया। अगला नाम है अविरल जैन का। अविरल जैन ने IIT BHU से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की। उन्होंने साल 2019 में जॉब छोड़ दी और अब सन्यासी बन चुके हैं। संदीप कुमार भट्ट का भी इसी लिस्ट में नाम सामने आता है। संदीप कुमार भट्ट तो IIT दिल्ली के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी करते थे, लेकिन लाखों रुपए की नौकरी इन्हें रास ना आई और इन्होंने भी लाखों रुपयों की नौकरी को छोड़ करके संन्यास का रास्ता अपनाया, अध्यात्म का रास्ता अपनाया और आज दुनिया को अध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन दे रही हैं।